हे गाइस, तो कैसे हो? तो यार आज हम बात करेंगे यार ऐसे टॉप 5 स्कूटर्स के बारे में जो कि 80s और 90s के टाइम पे ना यार राज किया करते थे, ठीक है। और उन सब में कंपनीज में यार बजाज भी एक शामिल थी जो कि अभी तक जिंदा है, ठीक है। बाकी एक रॉयल एनफील्ड है जो कि अभी जिंदा है, बाकी सब यार अभी ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। उनमें जैसे काइनेटिक हो गया, ठीक है, LML हो गया, ठीक है। तो इस तरह की कंपनीज थी। तो अगर उस टाइम के समय के बारे में बताओ ना यार, तो काफ़ी लोग पास गाड़ी हुआ करती थी नहीं, और अब जैसे अपना यार इंडिया कृषि प्रधान देश है तो यार बाकी लोग साइकिल अपना गुजारा करते थे, और जिसके पास बाइक होती थी यार वो राजा को कहते थे यार छोटे शब्द में गोटिया, जो कि अब भाई जिसके सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं उन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो यार काफ़ी तगड़ी हुआ करती थी, मुझे दादा ने बताया कुछ दिन पहले, जिसके पास भी वो बाइक थी, मतलब दादाजी थे हमारे, तो भाई जब भी लेके आते थे ना बच्चे और दादा लगा करते थे दौड़ते थे उसके पीछे, मतलब मुझे बैठना करके यार, वो काफ़ी अच्छा महसूस हुआ करता था उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि दादा लोग जब छोटे वक्त थे तब की बात है यार। तो यार काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उनका। तो यार अब 5 मिनट जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो पहले गाड़ी की बात है तो काइनेटिक होंडा, ठीक है। तो इसमें यार काइनेटिक और होंडा ने जॉइंट वेंचर किया था, ठीक है। तो यार काइनेटिक पुणे बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो इसका नाम यार काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड है, ठीक है। और होंडा ने यही इस बात यार उस समय होंडा शुरू ही हुआ था जस्ट, तो यार उसने लाया था, ठीक है दोनों ने। तो यार इसकी जो खासियत क्या थी पता है, इसका जो वाइज़र था ना, वाइज़र का लुक काफ़ी नया था उस समय के हिसाब से, ठीक है। तो यार काफ़ी अट्रैक्ट करता था युवाओं को भी, और यार जो उस टाइम के जो हर एज ग्रुप के लोग थे, जैसे दादा पापा, ठीक है, इन सभी उम्र के लोग, ठीक है, और बच्चे तो यार खासे इम्प्रेस हुआ करते थे इस टाइम की कारों बाइकों से, स्कूटरों से, ठीक है। तो यार इसके अगर इंजन की बात की जाए तो यार ये 98 cc का इंजन था, ठीक है, जो कि 7.7 BHP का पावर जनरेट करता था उस समय के हिसाब से, काफ़ी तगड़ा है, और 9.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, ठीक है। तो यार उसकी स्पीड यार काफ़ी तगड़ी है, ठीक है, 98 cc उस समय की सबसे बहुत तगड़ी हो करते थे, ठीक है। और हाँ यार जाहिर सी बात है यार ये एवरेज नहीं दिया करते थे, ठीक है, जैसे आजकल एवरेज बेच रहे हैं वैसे एवरेज दिया नहीं करते थे, ठीक है। तो यार उस समय से जिसके पास है ना वो तो मतलब राजा ही हो करता था भाई। तो यार अगर अगले बाइक उस लैम्प की बात की जाए तो उसका नाम है लैम्प्रेटा, ठीक है। तो लैम्प्रेटा एक इटालियन स्कूटर ब्रांड है, ठीक है, लेकिन यार जो API है, ठीक है, API मतलब ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, जो कि एक ब्रांड है, ठीक है, जो कि अपना है LI 150 सीरीज़ वाला दो मॉडल को बनाती थी, ठीक है। तो उसने यार उसको लैम्प्रेटा नाम दिया था, ठीक है, इसमें और इसके बाद और यार उस दौर में काफ़ी इसके बाद उसने यार अपना लैम्ब्री नाम दे दिया 1976 में। और उस टाइम में यार लैम्ब्रेटा ना काफ़ी खासा पॉपुलर हुआ करता था, क्योंकि इसके एकदम अजीब से टुकड़े टुकड़े टाइप के नाम हुआ करते थे, और एक ऐसी बाइक होगी इसको देखने के लिए, और इसे पहले के जमाने जाते तो यार बाइक हुआ करती थी नहीं, तो काफ़ी लोगों का ट्रैक करता था कभी कभी देखने वाले बाइक थे। तो यार इसके इंजन की बात की जाए ना तो यार 148 cc की क्षमता वाला स्कूटर था, समझ रहे, वो भी 2 स्ट्रोक, मतलब यार सोचो पल्सर के रेंज का, ठीक है, उस समय के हिसाब से 1976 में पल्सर के रेंज का स्कूटर, वाह। तो भाई इसकी अगर स्पीड की बात की जाए तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकता था, ठीक है, मतलब वो चलाने ऊपर है। बाकी यार सोचो उस समय 148 cc की बाइक्स रॉयल इनफील्ड के अलावा यार कोई कंपनी ऐसी देती थी दिया करती थी ऐसा, क्योंकि यार वो हैवी मैन्युफैक्चरर है तो यार दे सकती थी, लेकिन यार इन लोग में इतनी कैपेबिलिटी उस समय के हिसाब से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। फिर अगले बाइक स्कूटर की बात की जाए तो यार बजाज सनी, ठीक है, जैसे मैंने बताया यार बजाज काफ़ी पुराना ब्रांड है अपने इंडिया के लिए, और यार काफ़ी पायनियर सा ब्रांड है, ठीक है। तो अगर बजाज सनी की बात की जाए तो यार ये जो अपने देश में ना सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्कूटर के लिए मानी जाती है, और यार बजाज में स्कूटर का ना यही यार वो था ना, समझ लो पायनियर था मतलब मेन आर्किटेक्चर। और यार इसकी जो क्षमता थी वो बस 50 cc की थी, ठीक है, तो यार काफ़ी पावरफुल नहीं था, बाकी यार 2 स्ट्रोक इंजन वाला स्कूटर था। और यार इसको स्कूटर को ना यार बेसिकली ना टीनेजर्स को देख के बनाया गया था, जो कि 19 से 25 साल के बीच के हैं, तो यार उनके लिए काफ़ी मतलब तगड़ी बाइक हुआ करती, स्कूटर हुआ करती थी, जो कि वो चलाना चाहते थे कम स्पीड में, मतलब कम cc वाली, क्योंकि यार उस कम cc मतलब इसके रेट भी काफ़ी कम होगी, तो उस हिसाब से यार इसको बनाया गया था। तो यार अगले स्कूटर की बात कीजिए फिर बजाज चेतक। तो यार चेतक का नाम मतलब महाराणा प्रताप जी के जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था, ठीक है। तो यार इसको कंपनी ने 1976 में लॉन्च किया था, ठीक है।
यार इसमें यार की टैगलाइन मशहूर थी, ठीक है, हमारा बजाजा। हाँ यार वो एक टैगलाइन थी जो कि ना 90s के, जो यार अपने बड़े भाई होंगे उनसे पूछो बता देंगे तगड़े से, और उनको बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक है। तो इसी गाड़ी की क्षमता की बात की जाए तो 145 cc का इंजन था, समझ रहे हैं, मतलब दूसरी गाड़ी जो कि 150 cc की ऑलमोस्ट करीब है, ठीक है। तो यार ये 7.5 bhp की पावर जनरेट करता था और 10.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। तर उस समय के हिसाब से रॉयल एनफील्ड को टक्कर देने के लिए काफ़ी तगड़ी बाइक थी, मतलब समझ रहे हो, काफ़ी तगड़ी यार भाई, काफ़ी सही बाइक थी उस समय के हिसाब से देखा जाए तो। और जाहिर सी बात यार एवरेज तो नहीं देने वाले लोग, समझ लो ये समय की जमाने की नहीं स्पोर्ट्स बाइक हुआ करती, समझ लो यार। अगली बाइक है यार रॉयल एनफील्ड फैंटाबुलस, तो यार फैंटाबुलस नाम से सही में फैंटाबुलस है, ठीक है। तो यार उसकी इसको यार पहली 1962 में इसको अपनी भारत में लॉन्च किया था, ठीक है। क्योंकि यार उस समय रॉयल एनफील्ड यार मतलब ब्रिटिश ब्रांड हुआ करती थी, ठीक है, मतलब ब्रिटिश इंडियन कंपनी नहीं हुआ करती थी, तो ब्रिटिश ब्रांड। तो यार 1962 में लाया, ठीक है, और 8 साल तक बेचा, यानी कि 1970 तक बिक्री हुई, ठीक है। यार अगर इसकी इंजन कैपेसिटी बात करूँ तो यार 173 cc की बाइक होकर, समझ रहा, मतलब राजदूत जैसी, और ये स्कूटर में है, सोचो राजदूत जैसी क्वालिटीज मतलब स्कूटर में है, मतलब वाह। और यार एक सिंगल सिलेंडर 2-स्ट्रोक इंजन था, तो ठीक है, तो यार ये 7.5 bhp की पावर जनरेट करता था। और यार आपको बता दूँ ये देश का पहला ऐसा स्कूटर था जिसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट था, मतलब समझ रहा, 1962 में इलेक्ट्रिक स्टार्ट आ गया था, इतना समय लगा इम्प्लीमेंट होने के लिए यार, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट था इसमें, ठीक है। और इसमें यार 4 स्पीड गियर बॉक्स का प्रयोग, ठीक है, मतलब एक न्यूट्रल और 3 अपने नॉर्मल गियर्स, ठीक है। और यार इसको देखने में ऐसा लगता था कि काफ़ी हद तक ना बजाज की चेतक से मिलता, क्योंकि हाँ यार बजाज चेतक उस टाइम की यार काफ़ी पॉपुलर बाइक थी। तो यार कई कंपनीज होती हैं जो कि अपने मार्केट एरिया बढ़ाने के लिए उसे पुराने जैसे कंपटीटर्स जैसे रखती है, तो यार काफ़ी सही है। और उस समय के हिसाब से बता दूँ कि यार ये सबसे ज़्यादा हैवी इंजन थी, ठीक है, 173, मतलब नॉर्मल प्राइस ब्रैकेट में, ठीक है, जब आदमी अफोर्ड कर सकता था जो। तो यार ये थे यार कुछ ऐसी बाइक्स जो कि यार अपने पायनियर थी, और इनकी यार बात करते हैं मुझे यार काफ़ी गर्व होता है कि अपने बाइक सेगमेंट में यार इंडिया ने कितना तगड़ा काम किया था। यार आपको बता दूँ कि हीरो यार उस टाइम में नामो निशान नहीं था, ठीक है, उस टाइम हीरो साइकिल्स ही बेचती थी, उसके हीरो साइकिल्स जो कि पॉपुलर थे उतने उस टाइम पे बाइक सेगमेंट में घुसा नहीं था, ठीक है। और होंडा ही जस्ट अपने से मतलब बच्चा था, समझ लो होंडा, ठीक है, इंडिया में। तो यार आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद